नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने अपने पिछले मैथ और रीजनिंग के सेगमेंट में स्क्वायर रूट तथा स्क्वायर की कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अर्थात हम स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं के बारे में चर्चा की थी, उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि क्यूब रूट को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्यूब क्या होता है? जब किसी संख्या को आपस में तीन बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर आता है वो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूब। जैसे कि 3 × 3 × 3 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमारे पास आएगा 27 वो क्या कहलाएगा? क्यूब। और ये 27 कैसे बना, अर्थात इसका बेस क्या है? तो इसका बेस क्या बना? 3। अर्थात अगर हम 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो क्यूब रूट बनता है वो क्या बनता है? 20। वो क्यूब क्या बनता है? उसका क्यूब क्या बनता है? 27। और 27 कैसे क्यूबिक बना? तो उसका जो क्यूब रूट है वो कितना है? 3। अब हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर दिया गया है 6,859। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट नंबर है उसे देखेंगे। तो इस संख्या का यूनिट नंबर या इकाई का नंबर कितना है? 9। कितना है? 9। तो इस 9 को हम क्यूब के टेबल में देखेंगे कि क्यूब के टेबल में ये 9 किस संख्या का यूनिट नंबर है। तो ये किस संख्या का यूनिट नंबर है? तो ध्यान से देखें तो जो हमारा 729 संख्या है उसका यूनिट नंबर 9 है। और इस 729 का जो रूट नंबर है, जो क्यूब रूट है, वो कितना है? 9। कितना है? 9। तो ये 9 ही हमारा इस संख्या का फर्स्ट नंबर बनेगा, 9। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, क्योंकि हम क्यूब रूट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो 3 नंबर है इन्हें इग्नोर कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा? 6। अब हम क्यूब के टेबल में देखेंगे कि 6 कहां पर आ रहा है। तो ध्यान से देखने पर 6 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 1 और 8 में से जो स्मॉल नंबर होगा, तो दोनों में से जो स्मॉल क्यूब नंबर कौन सा है? 1। तो इस 1 का जो क्यूब रूट होगा क्या होगा? क्यूब रूट, उसे हम लेंगे। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1। तो हम तो इसका सेकंड नंबर क्या बन गया? 1। तो संख्या 6,859 का जो क्यूब रूट क्या आया? 29। क्या आया? 29। अब हम बात करते हैं एक और संख्या की। मान लो हमारे पास संख्या दी गई है 17,576। अब इसका हमने अगर क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका जो यूनिट नंबर है, इकाई नंबर कितना है? 6। तो इस 6 को हम क्यूब के टेबल में देखेंगे कि किस नंबर का क्यूब के टेबल में किस नंबर का इकाई या यूनिट नंबर 6 है। तो किसका है? तो ध्यान से देखने पर देखें तो 216 का जो यूनिट नंबर है वो कितना है? 6। और 216 का जो क्यूब रूट है वो कितना है? 6। कितना है? 6। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर बनता है। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से इस संख्या की जो 3 नंबर है इन्हें इग्नोर कर देंगे। अब कितना बचा?
17। अब इस 17 नंबर को हम क्यूबिक टेबल में देखेंगे कि 17 कहां पर आ रहा है। तो ध्यान से देख लें, 17 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 और 27 नंबर में से जो सबसे स्मॉल नंबर होगा तो कौन सा है? 8। कौन सा? 8। और इस 8 का क्यूब रूट क्या है? इस 8 का क्यूब रूट क्या है? तो इस 8 का क्यूब रूट कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। ये हमारा सेकंड नंबर होगा और इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास 17,576 का जो क्यूब रूट कितना आया? 26। कितना आया? 26। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 74088। इस संख्या का हम सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे या यूनिट नंबर कौन सा है? 8। कौन सा है? 8। हाँ, इस 8 को हम क्यूब के टेबल में देखेंगे कि ये 8 क्यूब के टेबल में किस संख्या का यूनिट नंबर है, अर्थात इकाई का अंक है। तो किस संख्या का है? 8 का। किसका है? 8 का। अब इस 8 क्यूब नंबर का क्यूब रूट क्या है? 2। क्या है? 2। तो ये 2 हमारी फर्स्ट संख्या होगी, क्या? क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हम इन तीन डिजिट को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास संख्या कितनी बची? 74। कितनी बची? 74। और 74 क्यूब टेबल में किन संख्याओं के बीच में है? तो 64 और 127 के बीच में। तो 64 और 125 के में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है या स्मॉल है? तो वो कौन है? 64। तो यहाँ पर हम 64 का क्यूब रूट देखेंगे। तो 64 का क्यूब रूट कितना आया? 4। तो ये हमारा सेकंड नंबर आता है। तो सेकंड नंबर कितना आ गया? 4। तो 74,088 का क्यूब रूट क्या होता है? 42। एक और एग्जांपल करते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास संख्या दी गई है 157,464। तो इसका यूनिट नंबर या इकाई नंबर कितना है? 4। कितना है? 4। अब इसको 4 को हम क्यूब के टेबल में देखेंगे कि क्यूब के टेबल में जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से किस संख्या का यूनिट नंबर या इकाई का नंबर है। तो 4 को ध्यान से देखें, तो 4 आ रहा है 64 में। किस में आ रहा है? 64 में। तो 64 का हम क्यूब रूट देखेंगे तो कितना आता है? वो 4। 4 इसका रूट आ गया। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट संख्या बन जाती है 4, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो हम राइट हैंड साइड से इस संख्या के तीन नंबर को इग्नोर कर देंगे। तो कितने नंबर बचे? तो कौन तीन नंबर बचे? तो वो संख्या क्या बनी? 157। तो इस 157 को क्यूब के टेबल में देखेंगे कि ये संख्या कहाँ पर आ रही है। तो ध्यान से देखें, तो ये आ रही है 125 और 216 के बीच में। तो दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है? 125। तो हम लेंगे 125 को, और 125 का जो रूट है, क्यूब रूट कितना है? 5। कितना है? 5। तो ये हमारा सेकंड नंबर आता है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया? 5। और संख्या क्या बन गई? 64। तो 157,464 का जो क्यूब रूट है वो कितना बना? 54। तो आज हमने जाना कि क्यूब रूट को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।